दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पूर्व पत्नी पायल अब्दुल्ला से सरकारी बंगला जबरन खाली करा लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पायल अब्दुल्ला को 7 अकबर रोड वाला सरकारी निवास तुरंत खाली करने का निर्देश दिया है। पायल ने अदालत से सुरक्षा को लेकर सरकारी बंगले को रखने की गुहार लगाई थी, मगर अदालत ने कहा कि वो सरकारी बंगला रखने की हकदार नहीं है, ये सरकारी बंगला है, इसलिए उसे तुरंत खाली कर दे। अदालत ने यह भी कहा है कि उनके पूर्व पति उमर अब्दुल्ला और ससुर फारूक अब्दुल्ला को निजी निवास में भी सुरक्षा दी जा सकती है, तो उन्हें क्यों नहीं। ज्यादा इसको पर्सनलाइज्ड और प्रिजुडिशियल रवैया है कि उन्होंने तुरंत ही जैसे ही ऑर्डर वहां से मिला है इसको खाली करवाने के लिए यहां पर बड़े बड़े ओहदेदार आ गए हैं और वो खाली करवाने के लिए उनसे ये कहा गया कि हम आपको अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं कि कुछ दिन का वक्त हमें दीजिए, लेकिन उन्होंने वो वक्त देने की बजाय सारा सामान आज बारिश के मौसम में खुले में डाल दिया है, और जो जबकि इस तरीके का कोई काम वो कर नहीं सकते हैं, रात में कब्जा नहीं ले सकते हैं, सामान को बिना इन्वेंट्री बनाए सामान निकाल नहीं सकते हैं, ये सारी चीजें हैं, पूरी गैरकानूनी तरीके से सारा काम किया गया है। लेकिन सरकार की माइट के सामने एक औरत और उसके दो बच्चे, उनकी कोई बिसात नहीं होती।